of you, यू हाउ आर यू फ्रेंड्स टुडे आई विल टीच यू अबाउट टिक्स ठीक है फर्स्टली कोर्स content है हमारे पास इंट्रोडक्शन है taxonomy है types क्या हैं टिक्स की hard टिक्स क्या हैं सॉफ्ट टिक्स क्या हैं, morphology क्या होगी इनकी लाइफ साइकिल क्या है इनका बिहेवियर एंड इकोलॉजी मेडिकली इम्पोर्टेंस क्यों होंगे ये और प्रिवेंशन कंट्रोल इनका इन प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है इनसे कंट्रोल इन पर कैसे किया जा सकता है ये सब चीज़ें इनमें आएंगी ठीक है इंट्रोडक्शन हम करेंगे टिक्स का तो ये टिक्स हमारे पास एक पैरासाइटिक आर्किनेट्स है ये सु का सुपर ऑर्डर है जिसको एडल्ट टिक्स आर अप्रॉक्सीमेटली थ्री टू फाइव मिलीमीटर इन लेंथ डिपेंडिंग ऑन द एज सेक्स स्पीशीज एंड फुलनेस मतलब कि उसकी एज पे डिपेंड करेगा कि उसका साइज कितना आएगा उस सेक्स पे डिपेंड करेगा कि वो मेल है या फीमेल है एज कंपेयर टू मेल फीमेल इससे शॉर्टर होगी ठीक है टिक्स आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स लाइविंग बाई फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ मैमल्स बर्ड्स एंड समप्टल्स एंड एनफीबियंस वो ज़्यादातर बर्ड्स पे मैमल्स पे उनके ब्लड्स पे और इनके रेप्टल्स के ब्लड्स पे एनफीबियंस के ब्लड्स पे फीड करते हैं टिक्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड एंड एस्पेशली इन वाम ह्यूमड क्लाइमेट्स ज़्यादातर ये गर्म इलाके में पाए जाते हैं इनकी टेक्सोनोमी क्या है फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा है सब फाइलम है कैली सीरेटा क्लास है आर्किनिडा सब क्लास पैरासी सिटीफॉर्म्स ऑर्डर आइजोडिटा सब ऑर्डर आइजोडिडाई एंड फैमिली आइजोडिडाई स्पीश बोफ फिल्स माइक्रोप्लस

ओनली अफ यू आर नोन टू बाइट एंड ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन्स जिनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन्स को बाइट करती हैं तो अपनी जो डिजीज़ होती है ना वो ट्रांसमिट कर देती है, humans types of ticks हैं ह्यूमस में टाइप्स ऑफ टिक्स हैं टू टाइप्स हैं टिक्स की हार्ड टिक्स एंड सॉफ्ट टिक्स हार्ड एंड सॉफ्ट टिक ये हमारे पास आती हैं टू टाइप्स ऑफ टिक्स की ठीक है ये एक हमारे पास हार्टिक्स टिक्स आएंगी ये हमारे पास सॉफ्ट टिक्स आएंगे ठीक हो गया टिक्स आर मेक द दिक्सोनोमी क्या है फैमिली आइज ओ डाय दे आर बिटवीन सिक्स फिफ्टी एंड सेवन हंड्रेड स्पीशीज ऑफ हार्ट इन वर्ल्ड वन ऑफ़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड टिक्स इज दैट दे हैव टिक्स आउटर शेल्स इनके अंदर हार्ड आउटर शेल्स होते हैं ये इनका मेन करेक्टरिस्टिक्स है टैस ऑफ हार्ड टिक्स ब्लैक लेग्ड टिक्स होते हैं जिनको हम डियर टिक्स भी कह सकते हैं लॉन्स टार टिक्स होते हैं ब्राउन डॉक टिक्स होते हैं अमेरिकन डॉक टिक्स दिस इज आल्सो नो दैट वुड टिक्स ठीक है और वेस्टर्न ब्लैक लेग्ड टिक ओके okay. ये हमारे पास है हार्ड एंड सॉफ्ट टिक्स सॉफ्ट टिक्स क्या होते हैं सॉफ्ट टिक्स मेक अप द टेक्नोमी फैमिली आर्गेजिडाई आर्गेजिडाई को फॉर्म करते हैं देर आर बिटवीन वन सेवेंटी टू टू हंड्रेड स्पीशीज होती हैं जो से सॉफ्ट टिक्स में प्रेज प्रेजेंट होती हैं सॉफ्ट टिक्स इनकी वो है एक इनकी एक खासियत होती है वो भी करैक्टर है ठीक है जो वन सेवेंटी टू टू हंड्रेड स्पिश हैं वो सॉफ्ट होती हैं वो क्यों सॉफ्ट होती हैं ये हमें अभी नहीं पता ठीक है वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ट टे सॉफ्ट स्टिक्स इज दैट दे हैव सॉफ्ट लेदरली शेल्स एंड इंस्टेड ऑफ़ टाइपिकली हार्ड शेल उनके पास हार्ड शेल नहीं होता उनके पास सॉफ्ट सा शेल होता है ठीक हो गया और यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स हैं टिक्स की चिकन टिक्स एंड स्पाइनो स्पाइनोज टिक्स एयर टिक्स चिकन टिक्स यहाँ से हमें पता चलता है कि ये पोल्ट्री वगैरह में ज़्यादातर मौजूद होती हैं जो कि चिकन्स वगैरह को होती हैं और स्पाइनोज एयर टिक्स ओके मारोफोलोजी ऑफ टिक्स ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया है फ्यूज इन टू टू पार्ट टू पार्ट में ये फ्यूज होता है कंसिस्टेंट ऑफ कैपिचुलम गैदोसो इसको कहते हैं गनेदोसोमा क्या होगा ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक वेंट्रल व्यू है ये एक व्यू है अगर मैं आपको इसको करीब करके दिखाऊं तो ये हमारे पास एक आता है कैपिचुलम पार्ट कैपिचुलम पार्ट जो कि हमें कहेंगे उनको गनाडोजोमा ये, ये, okay. ये हमारे पास आता है कैपिचुलम पार्ट ये छोटा सा जो ऊपर है ठीक है बॉडी की जो ऊपर है वो कैपिचुलम पाच है ठीक हो गया ओके ये हमारे पास डॉट्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है अगर हम इसी को ही एक्सपैंड करके देखें फ़ीमेल डॉर्जल व्यू इसमें क्या होता है स्पेक्ट्रम मौजूद नहीं होता और वेंट्रल व्यू भी हमें दिखाया जा रहा है एनस जो होता है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है ये एक हार शेल की तरह हमें दिखाया जा रहा है ना इनकी आइज़ यूजली एबसेंट होती हैं जेनिटल अपर्चर होता है इनमें जो स्पायरेकल होते हैं और इनकी जो लेग के अंदर जो बिटवीन थ्री और फोर लेग्स में ना थ्री के लेग्स के बाद जाके इनमें फोर लेग्स के दरमियान इनके प्रोटूबिल स्पायराकल्स मौजूद होते हैं ठीक है और ये हमारे पास एक माउथ पार्ट है ये माउथ पार्ट है हमारे पास यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये माउथ पार्ट है माउथ पार्ट हमें दिखाया भी जा रहा है जो कि शेल नीचे वाले शेल्स में मौजूद होता है शेल के हिस्से में उनका लाइफ साइकिल क्या है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द टिक्स फोर बेसिक स्टेजेस कुड बी रिकॉगनाइज एग लार्वा नेम्स एंड अडल्ट लाइफ साइकिल ऑफ द टिक्स रिक्वायर सिक्स वीक्स टू थ्री इयर्स कंप्लीट इन डिफरेंट स्पीशीज़। मतलब छः हफ्तों से ले कर तीन साल तक ये अपना मुकम्मल करते हैं लाइफ साइकिल को फॉर फीमेल In particular, feeding is essential for reproducing uh, and laying eggs. Each phase of the chick's life cycle is different and certain stages these uh, pests can pose serious problems for humans. ये हमारे पास है टिक्स के लाइफ साइकिल है ये हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लेग्स एग्ज आते हैं स्प्रिंग सीजन में लार्वा बनता है समर में जाके और फिर जाके विंटर के बाद जाके जब स्प्रिंग दोबारा आता है तो फिर हमारे पास एक नेम्फ आता है नीम्फ के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में ठीक है ओके बिहेवियर एंड इकोलॉजी हार्ड एंड सॉफ्ट टिक्स डिफर इन हाउ दे बिहेव एंड फाइंड फूड टिक्स सॉफ्ट टिक्स जनरली लेवस इन एनिमल्स नेस्ट एंड बर्ड फीमेल्स लेव दियर एग्ज इन द होस्ट नेस्ट लार्वा निम्फ एंड एडल्ट क्रॉल थ्रू देअर नेस्ट टू फाइंड होस्ट ये जो निम्फ और एडल्ट होते हैं ये क्रॉल करके ईजीली अपने नेस्ट में जा सकते हैं या फिर अपने होस्ट को फाइंड कर सकते हैं दे आर यू फीज एट नाइट एंड दे डोंट स्पेंड मच टाइम अटैच टू अ होस्ट मतलब कि ये ज़्यादातर टाइम नहीं स्पेंड कर सकते अपने होस्ट के साथ अटैच नहीं रह सकते वाइल हार्ट टिक्स में स्पेंड दे डेज कंज्यूमिंग होस्ट ब्लड्स ये है हमारे पास आ, टिक्स की एक और फॉर्म आइजो 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 ड स uh, ये मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा ब्लैक लेग्ड हैं डरटिक्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रोट द नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न एंड मिड वेस्टर्न यूनाइट स्टेट में होता है एक्सपेंडिंग रेंज इन कनाडा इस्पेशली इन साउथर्न ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न ऑन टैरियो वेस्टर्न में ये पाया जाता है क्यूबिक नोवा सटिया न्यू बर्नस विक्स एंड मैनीटोबा ये मतलब ये ना भी करे इतनी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बतानी है नॉर्थन एंड मिड वेस्टर्न यूनाइट स्टेट इज इनफ़ ओके। सेशनल एक्टिविटी एक्टिविटी, एक्टिव वन टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग फोर डिग्री सेंटीग्रेड यू बट वर्ज बाय लाइफ स्टेज एडल्स आट्स कॉमन इन स्प्रिंग एंड फॉल निम्स आर एक्टिव इन लेट स्प्रिंग अर्ली समर मतलब के एडल्ट जो होंगे वो स्प्रिंग सीजन में मौजूद होते हैं जो इसका निम्फ है जो कि एक्टिव होता है स्प्रिंग के बाद जाके समर में ठीक है हैबिटेट क्या है लाइव इन द फॉरेस्टेड फॉरेस्टेड हैबिटेट एंड सराउंडिंग बुशेस एरियाज ज़्यादातर ये कहाँ पे रहते हैं फॉरेस्टेड एरियाज में और जहाँ पे बुशेज वगैरह प्रेजेंट होती हैं होस्ट इमेचोर लाइफ स्टेजेस फीड ऑन स्मॉल मैमल्स वो ज़्यादातर स्मॉल मैमल्स पे फीड करते हैं ग्राउंड डिवेलिंग बर्ड्स जो कि ग्राउंड पे मौजूद होती हैं जो बर्ड्स वगैरह एडल्ट प्रेफर लार्जर मैमल्स लाइक वाइट टेल जियर और जो एडल्ट होते हैं वो ज़्यादातर मैमल्स को जो वाइड टेल्ड मैडियर्स होते हैं उन पे फीड करते हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टिक्स ऑन एनिमल्स ब्लड सकिंग बाय लार्ज नंबर ऑफ टिक्स टिक्स के जो लार्ज नंबर होते हैं वो ब्लड सकिंग है ऑफ टिक्स रिडक्शन इन लाइव वेट एंड एनीमिया अमंग डोमेस्टिक एनिमल्स बाइट्स आल्सो द क्वालिटी ऑफ हाइड्स However, major losses have caused by ticks are due to their ability to transmit protozoa and viral disease of livestock, which are of great economic importance of worldwide. The other lies होगी जैसे टिक्स हैं माइट्स हैं जो भी हैं जब काटती हैं तो अपना पैरासाइटिक जो डिज़ीज़ होती है वो जब एक को काट के दूसरे के पास जाती हैं उसका ट्रांसमिट कर देती हैं दूसरे इंसान में जिसकी वजह से हमारे पास वायरल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेडिकली इंपॉर्टेंस क्या है टिक्स द मेडिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टिक्स हैज़ लॉन्ग बीन कग्नाइज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूम एंड एनिमल्स टिक्स काज इज ग्रेट इकॉनमिक लॉसिस ऑफ लाइफ स्टॉक्स ये ज़्यादातर लाइफ स्टॉक्स की जितने भी economy के लिए जितने भी काज हैं इसकी वजह से हैं एडवर्टली इफेक्ट जो लाइफ के ऊपर कर रही है होस्ट इन सेवरल वेज लॉस ऑफ ब्लड्स इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द टिक्स ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो कि हमारे लॉस करी है ब्लड्स का एज पोटेंशियल वैक्टर ऑफ द एंड एंडल हेलमेंथ पैरासाइट्स टिक्स आर वेल नाउन ब्लड सकिंग एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्पैट्स लाइफ स्टॉक्स एंड वाइड एनिमल दे आर आल्सो वैक्टर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स टू एनिमल्स और सेकेंड ओनली दू मास्क टू इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस ये हैं हमारे पास टिक्स के सिम्टम्स आते हैं चिल फीवर फैटीग एंड हैजिक जिसकी वजह से हमारे पास स्टिफ नैक हो जाती है रैशेज डिवेलपमेंट हो जाती है और फ्लू सिम्टम्स होते हैं और जब अगर लेट सिम्टम्स से लेटर में बाद में इनका क्या होता है जो ज़्यादा पुराना होना शुरू हो जाए तो, तो इनके अंदर आयल्स बुल्स आइज रेश और बेल्स प्लेज मतलब कि एक तरफ से मुंह वगैरह का ना नीचे ढिलक जाना एंड कैसे लेम्स अपने घुटनों वगैरह में कमज़ोरी महसूस होना और uh, नोजिया वामचिंग ये एक फिटीक होता है और जिससे हेपाटाइटिस भी हो सकता है आई भी होती है हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं जॉइंट पेंस भी होता है ये सब इसके सिम्टम्स हैं ठीक हो गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रिड्यूस द रिस्क ऑफ द टिक्स बाइट्स बाय वियरिंग लॉन्ग पैंट एंड विद कवर एंकल्स वैन वॉकिंग इन एरिया विद द लॉर्ड टिक्स यूजिंग रिपेलेंट्स कंटेनिंग डी ई टी और आई कैरिडिन ऑन क्लॉथ विल आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ टिक्स वाइड्स टिक्स आर इजियर टू स्पॉट्स ऑन लाइट क्लॉथ मतलब कि वो जो हम लोग अगर हैवी ड्रेसेस पहन के जाएँ इन एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादातर वो होते हैं जंगलात वग़ैरह जैसी साइड होती है जिनकी बुशेस वगैरह होती हैं जिस साइड्स पे, वहाँ पर हमें लॉन्ग शूज़ पहनने चाहिए अपने एंकल्स को कवर करना चाहिए और जितने भी सॉफ्ट uh, uh, पहन के जाते हैं उनको ज़्यादातर हदशात होते हैं कि टिक्स उनको काट सकती हैं जिसके काटने के बाद उनके अंदर जो भी चेंजेस आएंगी उनके अंदर जो भी तब्दीलियाँ आएंगी अगर इनमें से कोई सिम्टम्स उनके अंदर आ सकता है तो टेस्ट करवाने चाहिए यूक्लेप्टस ऑयल यू कैन एलिमिनेट टिक्स विद द सिंगल एप्लीकेशन ऑफ यू क्लेप्टस ऑयल एसेंशियल ऑयल और कैन बी यूज़ दल टिक्स बाय कंबाइनिंग थर्टी ड्रॉप्स ऑफ एनाइल योर चॉइस विद फोर आउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज़ इन अ बॉटल सेपरेट ये हमारे पास सेफ्टी हैं टिप्स की और आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कोई बात पूछनी हो कोई क्वेश्चन रह गया हो तब भी मुझे बता दीजिएगा ठीक है ओके अल्लाह